सूद का एक पैसा भी नहीं छोड़ सकता। एक हफ्ते के अंदर मेरे सब पैसे चुका दीजिए। अविनाश जी, पिताजी जरा पता तो लगाओ, नए मकान का नक्शा तैयार हो गया या नहीं? कहां गए थे देवर जी? माँ तुम्हें पूछ रही थी। क्यों भाभी? सो मैं नहीं जानती। कहां है माँ? ऊपर। शेखर। क्या माँ? तू अपनी बुआ जी के यहाँ गया था? अरे वहाँ जाना तो बिल्कुल ही भूल गया। हाँ भूलेगा क्यों, तुझसे घरेलू काम की आशा करके। गलती तो मैं खुद करती हूँ। अच्छा मैं आज शाम को दफ्तर से लौटते वक्त जरूर मिल के आऊंगा। जरूर जाना, आज मत भूलना। जरूर जाऊंगा। अच्छा शायद आज सूरज पश्चिम से निकला है, कल दिन भर नहाने की वजह पूछ सकता हूँ? जवाब नहीं दिया। ठहरो, तुमने ये सवाल इतने मुश्किल दे दिए हैं कि होते ही होंगे भी नहीं। हालांकि सवाल तो आसान है, मगर तेरे भेजे में भूसा जो भरा हुआ। मेरे भेजे में भूस भरा हुआ है? ये क्यों नहीं कहते कि इतने दिनों से पढ़ रही हूँ लेकिन तुम कुछ सिखा ही नहीं पाते। सिखाऊं किसे? एक दिन आती और तीन दिन गैर हाजिर, कल क्यों नहीं आई? कैसे आती? मामी जी की तबीयत खराब, घर का कामकाज भी तो करना पड़ता है ना। तो घर का काम ही कर, तुझसे लिखाई पढ़ाई होगी नहीं। जल्दी, माँ ने तुम्हें बुलाया है। क्यों रे, मामी ने क्यों बुलाया है? मुझे क्या मालूम। बस हो गई पढ़ाई लिखाई, अच्छी बची तो इस मुसीबत से। अब इसमें मेरा क्या कसूर? तुमने बुलाया था मामी? हाँ, इतनी देर कहाँ गई थी? उस घर में पढ़ने ली वो तो समझी, मगर सवेरे का समय घर का सारा काम पड़ा है, मैं अकेली क्या क्या करूं? मेरे कोई 10 हाथ हैं? क्या काम है मामी? माँ जी को मैंने सब्जी काटने को कहा है, तुम जाके अपने मामा के लिए चाय बनाओ। अच्छा। तुम खामखा लड़कियों क्यों डांटा करती हो? लो सुनो, मैं लड़कियों को डांटती हूँ? अरे काम के लिए कहना भी डांटना हुआ? तुम्हारे इसी लाल प्यार ने तो लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है।
तू यहाँ क्या कर रही है? पढ़ाई लिखाई नहीं? इस गरीब मामा के बहुत काम करना पड़ता है ना? तो क्या हुआ, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। देखो तो बेटी कौन है। गुरुचरण बाबू को बड़े सरकार याद कर रहे हैं। कह देते तुमको ताऊ जी ने बुलाया है मामा। ओह मैं भी जाता हूँ। अरे ये क्या, पहले चाय तो पी लो। नहीं बेटी तू चाय ढक के रख दी, मैं लौट के पीऊंगा, देर हो जाने से खफा हो जाएंगे। क्यों बुलाया है सो तो मैं जानता हूं। भाई साहब आपने मुझे बुलाया? बुलाने को मजबूर हुआ, सोचा था पड़ोसी हो, तकाजा करने की जरूरत न पड़ेगी, खुद ही आ जाओ। भैया आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर थोड़े दिन की मोहलत और देते। मोहलत क्या कम दी है तुमको? एक साल होने को आया, असल तो रहा दूर, तुमने ब्याज में से भी एक पाई तक नहीं चुकाया। आपसे मेरी हालत तो छिपी नहीं, 150 रुपए महीने तनख्वाह, उस पर इतनी बड़ी गिरफ्त। बस बस इन सब बातों के सुनने से मेरा क्या फायदा, मैं तो ये पूछता हूँ कि मेरा कर्जा कब चुकाओगे? चुकाऊंगा, बहुत जल्द चुका दूंगा। नहीं नहीं अब ये हवाई बातें मैं और नहीं सुनना चाहता। शेखर की माँ की तबीयत खराब रहती है, उसे आप हवा बदलने के लिए बाहर भेजना है। मुझे रुपयों की इसलिए बड़ी सख्त जरूरत है, अगले महीने तक तुम मुझे सब रुपए चुका दो वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तुम जा सकते हो। ललिता आई मामा। अरे ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई, इसे गर्म कर लूं? नहीं नहीं बेटी चाय नहीं चाहिए, एक गिलास ठंडा पानी ला दे। अगले हफ्ते में। अगले हफ्ते तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कांति मुझे हमेशा चिढ़ाती है, कहती है तुम्हारे पिताजी गरीब है, उनके पास फीस देने को पैसा ही नहीं है। हाँ बेटी हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। तो बापूजी मुझे जा बाहर जा। घर बाहर चारों तरफ तकाजा ही तकाजा है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। मामा पुरखों का इस मकान का सहारा था, इसे भी तेरी दीदी की शादी में गिरवी रख दिया, और आज फिर उसी के लिए नवीन भैया से बहुत कुछ बातें सुननी पड़ी। रहने दो मामा, बार बार इन बातों को सोचने से क्या मिलेगा? मिलेगा तो कुछ नहीं बेटी, फिर भी सोचना पड़ता है। साक्षात अन्नपूर्णा है नवीन बाबू, और वो सिर्फ आप ही के घर की शोभा बन सकती है। हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, और मैंने आपकी लड़की को देखा भी है, मगर बात दरअसल ये है कि पहले कुछ लेन देन की बात। इसकी फिक्र आप न कीजिए, अपनी बेटी के ब्याह में बाप कुछ न दे भला ये कैसे हो सकता है। आप शायद नहीं जानते मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी में हम लोगों ने 50,000 रुपए खर्च किए थे, 50,000 रुपीज। बिल्कुल ठीक। असल बात यह है नवीन बाबू कि आपका लड़का शेखरनाथ हमें बहुत पसंद है, और हम किसी भी शर्त पे उसे अपना जवाई बनाना चाहते हैं, और ये नकद 10,000 रुपए की जो आपने फरमाइश की है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, मुझे सब मंजूर है। आप तो जानते ही हैं कि लेन देन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, जो कुछ भी आप देंगे दान दहेज में वो आपकी लड़की और आपके दामाद को मिलेगा। तो फिर आपकी तरफ से बात पक्की हुई ना? जी हाँ बात। क्या है? माँ जी ने आपको अंदर बुलाया। क्यों क्या बात है? माँ जी ने कहा है कि जब तक छोटे बाबू खुद देख कर पसंद न कर लें तब तक शादी की बात पक्की न की जाए। ओ अच्छा तू जा। अच्छा सरकार। शायद हम लोगों की चाल में कोई गलती हो गई है। क्यों क्या हुआ?
सिर्फ सेशन कोर्ट की राय से ही तो सब बात नहीं तय हो जाएगी, अंदर हाई कोर्ट जो है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। आप मेहरबानी करके जरा बैठिए, शायद वो बात समझी। तुम्हारी बात का क्या मतलब है? क्यों क्यों क्या, लेन देन की बात पक्की हो गई, ब्याह का मामला भी तय हो जाए, फिर उसके बाद मंगनी के दिन आशीर्वाद देते समय जी भर के देख लेना। और यूं तो लड़की देखी हुई है। किसने देखी? मैंने, और किसने। लेकिन शादी तो तुम्हारे बेटे की होगी। अरे तो उसमें हर्ज ही क्या है? अजी एक बार ये भी तो सोचो कि जमाना बदल गया है, तुम्हारे हमारे जमाने की तरह माँ बाप की पसंद से आजकल नहीं चलता, लड़की की पसंद नापसंद के बारे में भी तो हमें जानना चाहिए। लेकिन वो लोग कितना रुपया नकद देने को राजी हुए हैं सो भी जानती हो? जो कुछ भी हो, जब तक शेखर खुद पसंद न करे ये शादी नहीं हो सकती। यही तुम्हारा फैसला है? हाँ। लेकिन मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? कह दो अगले इतवार को शेखर लड़की देखने जाएगा। शेखर आज तो तेरे बाबूजी मुझ पे बहुत खफा हुए। ओहो बाबूजी खफा हो गए, ये तो बहुत बुरी बात है माँ, उनको ब्लड प्रेशर है, उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो तो मैं समझी, मगर गुस्सा करने का कारण भी तो सुन। उन्होंने चौधरी घराने में तेरा ब्याह पक्का किया है, सो लड़की के पिता सवेरे तारीख तय करने आए थे। नहीं माँ अभी मुझे ब्याह नहीं करना है। क्यों भला? अभी हाल ही में तो काम धंधा शुरू किया है, जरा प्रैक्टिस चल तो जाए। ले सुन ललिता इस लड़के की बात, अरे हम लोगों के रहते बहू को खिलाने की फिक्र तुझे क्यों? नहीं नहीं मैंने तेरे बाबूजी से कह दिया है इतवार को तू लड़की देखने जाएगा। क्यों चुप क्यों हो गए? क्या करूं तुम करती हो तो जाऊंगा। हाँ बेटा चला जाना। तूने सुना ललिता? हाँ सुन लिया। एक मिनट क्यों ललिता? माँ तुम्हें ताश खेलने बुला रही है। चल ललिता रसोई घर से शक्कर का डिब्बा तो ला दे। अच्छा मामी तू जाओ मैं भी आती। मैं चारू के यहाँ जा रही हूँ। क्यों फिर ताश की बैठक जमेगी? चाची ने बुलाया है। अच्छा जा जल्दी लौटना। आपको अंदर जाना, जाइए दीदी बगल वाले कमरे में है। क्यों गिरी किससे बातें हो रही? ओ, ललिता अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं? ये है चारू के मामा यानी कि मेरे साले राम। मुंगेर की आब हवा पसंद नहीं इसलिए कलकत्ते घूमने आए हैं। हम कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल बैठ। देख चारू। क्यों जनाब? मैंने कहा इधर टिकटिकी लगाए क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। देख माल आज ठीक से खेलियो, हारी तो खूब मार खाएगी और जीती तो रसगुल्ले। चोर बन। खेल शुरू। 17 18 पास। लो ट्रम्प का पत्ता निकाली। अरे चारू वहां से आज का अखबार तो दे जा। मैं खेल रही हूँ मामा, तुम ही अकेले जाओ। अरे गिरीन अखबार पढ़ के क्या करोगे, दो चार बाजी यहीं आके खेल लो ना। क्यों किस सोच में पड़ गए? अरे भाई यही तो चाह रहे थे फिर हिचकिचाहट कैसी? जाओ जाओ। मुझे खेलने को बुलाया दीदी? तो और क्या मुंह देखने को, आओ खेलो। पर तुम लोग चार जने तो हो ही। चारू तो खेलना जानती नहीं, इसे बताते जाओ बैठो। वाह ये तो 3 जने हो गए, हम लोग तो हार जाएंगे चाची। अरे डरती क्यों है, 2 के बराबर तो मैं अकेली हूँ। खेल खेल। अच्छा चलो ये नहीं ये चल। अरे ये हाथ तो हम जीते। पता मैंने बताया। क्यों जनाब साले राम। आखिर जम गए लाके। जीजा जी मैं खेल कहाँ रहा हूँ, मैं तो इसे बता रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में देखूंगा कि तुम खेल रहे हो चारू बिचारी पीछे बैठी है। छोड़ ताश भी भला कोई खेल है। अरे ललिता तू आ गई, अच्छा हुआ। जरा मुझे सजा तो दे कि बहू मुझे देखते ही पसंद कर ले। अच्छे तो लग रहे हो, मगर मगर इस कुर्ते पर वो कश्मीरी शाल कौन खिलेगी? तो खड़ी क्यों जा निकाल दे। तुम खुद निकाल लो, मैं रुपए लेने आई हूँ, मुझे देर हो जाएगी।
जब जरूरत होती है रुपए ले जाते, मगर ये चुकेंगे कैसे? चुप तो रहे हैं ललिता, समझी नहीं? समझ जाएगी कभी ना कभी। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अच्छी है तो? जी हाँ। आओ पहले मुंह मीठा कर लो। निर्मल बेटा जाओ तो रानी बिटिया को ले आओ। मुंह मीठा करने के लिए इतना सामान? अरे ये तो कुछ भी नहीं, जल्दी में कुछ भी नहीं बन सका। मालूम है मेरे बड़े भाई साहब के दामाद जब पहली बार इस घर में आए थे तो 108 किस्म के पकवान पकाए थे। 108 आइटम्स। खाओ 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 खाओ, लो आ गए। आओ बेटा प्रणाम करो। बस बस रहने दो, बैठो। अविनाश तुम्हारे बाबूजी तो इसे पसंद कर ही गए हैं। अब ये तुम्हारे ही घर जा रही है, तुम्हें जो कुछ पूछना पाछना है पूछ लो। अरे बिटिया वो हीरे का हार नहीं पहना? तुम्हारा नाम बोलो बेटा, बोलो। सुंदरी देवी। मेरी माँ ने यानी इसकी दादी ने ये नाम बड़े ही प्यार से रखा था, सुंदरी देवी। गोरा रंग है ना इसलिए। तुम्हें गाना भी आता है? बहुत अच्छा, गा के सुना दो बेटा। निर्मल ला तो हारमोनियम। अच्छा शेखर बेटा तुम कोई चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी तुम्हें सोने में तोल कर दूंगा, सोने में। अरे तुम लोगों ने खाया नहीं कुछ भी? लो ये बम्बई का हलवा है, बम्बई का। जी हाँ खा के देखिए मुझे। यहाँ क्या अविनाश, लड़की पसंद आई? जिसकी शादी होने वाली है उसी से पूछ लो ना माँ। क्यों रे शेखर, कैसी है लड़की? अरे क्या पूछती हो माँ, उनका घर तो एकदम राजमहल है। नक्काशी के शानदार खंबे, संगमरमर की सीढ़ियाँ, कश्मीरी गालीचे, देश कीमत इटालियन मूर्तियाँ और क्या क्या कहूँ। वो तो मैं समझी, मगर पहले ये तो बता कि जिसे देखने गया था वो कैसी लगी? भले घर की लड़की कैसी होती? अच्छी। अच्छी का मतलब नाक नक्शा चेहरा मोहरा रूप रंग कैसा है? तेरी ये भाभी जैसी है ना? ओहो तुम समझते हो दुनिया में भाभी से कोई खूबसूरत लड़की है ही नहीं, जानती हो तुमसे बहुत गोरी है। पढ़ी लिखी कितनी है? ये तो मैं पूछने भूल गया। मैं पूछा नहीं, आज कल के लड़के जो बात सबसे पहले पूछते हैं वही तूने पूछा नहीं। क्या करूं बिल्कुल भूल ही गया तुम्हें। मालूम होता है लड़की ने पसंद नहीं आई। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा तो आज तुझे ये कमरा ठीक करने का मौका मिला। तूने पूछा नहीं लड़की मुझे कैसी लगी? पूछना क्या है, जरूर अच्छी होगी। अच्छी होगी नहीं, बहुत अच्छी है। राजमहल जैसा घर, बड़ी बड़ी संगमरमर की मूर्तियां, गहनों से लदी हुई लड़की। हंसती क्यों? हंस नहीं, वो तेरी जैसी जरा से हवा के झोंके से बल खाने वाली लड़की नहीं, अच्छी खासी थोड़ी सी तंदुरुस्त है। तो फिर ठीक है कर लो शादी। करूंगा ही कुछ। अरे ललिता, ए ललिता जरा सुन। नहीं इस समय मुझे बहुत काम है। इसी का इंतजार था क्या हमारा ट्रंप? गिरीन तुम्हारे पास ट्रंप के पत्ते कहाँ से आ गए? आए कहाँ से, मेरे पास थे। थे तो ट्रंप की चाल पे चले क्यों नहीं? चले कैसे नहीं, चला तो था। नहीं चला, तुम मर्द लोग बहुत बेईमान होते। अजी मैंने कहा जरा सोच समझ कर बोला करो, इधर भी एक मर्द बैठा है। तुम चुप रहो। अच्छा जी। गिरी तुमने बेईमानी की है। शक है तो पिछले पत्ते मिला के देख लो। तो क्या छोड़ूंगी, देख तो मारती। माँ चार तो बज गए, आज थिएटर चलना है ना? अरे हाँ फिर बंद करना। हो सके तो थिएटर आज टाल जाओ दीदी, खेल खूब जम रहा है। ये कैसे हो सकता है, टिकट लिए हैं जाना ही चाहिए। कहाँ जाएंगी चाची? सुना नहीं थिएटर, गिरी टिकट भी ले आया है। चलो ना दीदी हम लोग भी चले।
मगर अब टिकट कहाँ से मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, मैं अभी आदमी भेजता हूँ। हम नहीं जा सकेंगे, मामी नाराज होंगी। चलिए ना, सब एक साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ दीदी, बड़ा मजा आएगा, मैं भी जाके माँ से पूछती हूँ। चलो हम सब तैयार हो जाए, जा तू भी तैयार हुआ है। सबको तो लिए जा रही हो, मगर जो एक बेचारा इधर बैठा है उसे क्यों भूल गयी? सभी चले जाएंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? तो क्या मैं इस घर का चौकीदार? नहीं नहीं जीजाजी, आपके लिए भी एक सीट रिजर्व करा ली है। मेरे साले साहब बहुत अकलमंद है, अच्छा हुआ तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना तुम भी मेरी तरह गोबर गणेश बन जाते। हद हो गई दीदी, 5 बज गए, तू अभी तक तैयार नहीं हुई। बस बस मैं तैयार हो गई। चारू मेरे बुंदे कहाँ रख दिए? उस कमरे के अलमारी में रखे। अरे हाँ, अरे हा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं तो कब को तैयार हूँ, चलो। क्या ये सर्कस के जोकर की तरह कपड़े पहन के थिएटर देखने जाओगे? तुम्हारे पास इतनी सी अकल नहीं है। ठीक तो सही, मगर शादी से पहले। बस बस मजाक बंद, जल्दी तैयार हो जाओ। अब जाता हूँ। चाची हम लोग आ गए। ओ अच्छा, ललिता कहाँ है? रुपए ले रही हूँ। हम लोग थिएटर जा रहे हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या? अब बात कानों तक पहुंची, हम लोग थिएटर जा रहे हैं। किसके साथ? गिरिन बाबू के साथ। गिरिन बाबू कौन है? चारू के मामा, अभी 2-3 दिन हुए मुंगेर से यहाँ सैर करने आए हैं, एमए पास हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और ताश तो बहुत अच्छा खेलते हैं। हो नाम दाम पता ठिकाना पेशा, यहाँ तक कि वो ताश अच्छा खेलते हैं ये भी मालूम कर लिया उनके बारे में। उनके साथ बैठ के खूब ताश खेले, तो इन दोनों खूब ताश हुए। तो मैं क्या करती, चाची ने बुलाया मैं चली गई। देखता हूँ सज धज के तैयार होने के बाद इजाजत मांगने आई हो। जाओ खड़ी कहो, जाओ ना। चारू मेरा पान का डिब्बा। अरे तुम्हारे हाथ में क्या? ओ अब फिर यहाँ रखती हो, इसे लॉकेट बनाकर गले में लटका लो। बस तुम रहने दो, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। दीदी तुम लोगों ने अच्छा झगड़ा शुरू कर दिया और इधर जाने का वक्त जो हो गया। चलो हम लोग तैयार हैं। लेकिन ललिता देवी तभी तक नहीं आई। अरे हाँ कहा तो कि जाओ। सिर्फ आज के लिए। परेशान न करो ललिता, जाना हो तो जाओ, तुम्हारी उम्र भला बुरा सोचने लायक हो चुकी है। ठीक नहीं होगा दीदी। क्यों, एक की वजह से सब क्यों रुक जाएंगे? नहीं नहीं, वो ललिता देवी की बड़ी ख्वाहिश थी ना। तो हमारी ख्वाहिश में तुम्हें कमी नजर आ रही? चलो जी साले राम। बेगम बनो ख्वाब
देखा है, ये सा ख्वाब देखा है कि हम बादशाह बने हैं। ऐ बादे तुम बेगम बनो, ख्वाब देखा है कि ये सा ख्वाब देखा है कि हम बादशाह बने हैं। बादशाह बने हो जी तुम्हें जरा ना आए लाज, बादशाह बने हो जी तुम्हें जरा ना आए लाज, बाप न मारे मेंढकी और बेटा तिरंगा। अच्छा तो अब पास आओ, पहले अपने नाक कटाओ, नक्शे बनो तुम कहाँ नक्शे बनो तुम। अरे रे 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 रे, क्या कहेगी दुनिया मेरी, नाक जो हुई गुम हो मेरी, नाक जो हुई गुम। आवो जी हमसे करो मेल, आवो जी हमसे करो मेल। सुंदर के सर में चमेली का तेल, सुंदर के सर में चमेली का तेल। छछुंदर बना दिया मुझे ओ बेगम, ये क्या किया। उठा था शेर ये बबर, तूने उसे सुला दिया। हाय बेगम, ये क्या किया। क्यों साले राम, कुछ समझ में आया? अरे बैठ। अरे उठ, अरे उठ। नहीं तुम नक्शे बनोगे, हमें बेगम बनाओगे और खुद बादशाह बनोगे। हाँ मेरी जा बादशाह बनूंगा। तुझे बादशाह बनाऊं, मुझे तख्त पे बिठाऊं, जरा दिल में तू रखना सबर, ओ बादशाह दिल में तू रखना सबर। तुझे बादशाह बनाऊं, मुझे तख्त पे बिठाऊं, जरा दिल में तू रखना सबर, ओ बादशाह दिल में तू रखना सबर। उस तख्त के तले आज शाम के गले मैं बना दूंगी तेरी खबर, ओ बादशाह दिल में तू रखना सबर, ओ बादशाह दिल में तू रखना सबर। आपकी बहुत तारीफ सुन चुका हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बैठी। मैंने सुना है कि आपके घर में किसी की तबीयत जरा कुछ खराब। तबीयत खराब है? नहीं तो, मगर कल थिएटर जाते समय सुना था कि शायद मेरे ही सुनने में भूल हुई होगी। नहीं, आपने ठीक ही सुना। बाल बच्चे वाले घर में तो किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहती है। और असल बात तो यह है भाई कि गरीबी बताते खुद एक बड़ी बीमारी। अच्छा तो मैं चलूं? क्यों जाएंगे, क्यों आए हो तो बैठिए थोड़ी देर। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे आजकल के पड़ोसी कहाँ एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। जितने दिन आप यहाँ रहें, जब समय मिले तो यहाँ जरूर आया कीजिएगा। दफ्तर से आने के बाद तो मैं घर ही पे रहता हूँ। देखिए मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप मुझे आप कहकर। अरे भाई, पहली मुलाकात में लोग तकल्लुक करते ही हैं। खैर, मैं तुम ही कहूंगा। हाँ तो तुम मुंगेर से कब आए? दो तीन दिन में। आप चाय पियेंगे? आप नहीं, तुम। ओ तुम चाय पियोगे? चाय इस वक्त?
अरे भाई चाय का भी वक्त बेवक्त होता है, बात यह है कि तुम पियोगे तो थोड़ी सी मुझे भी मिल जाएगी। ओ अच्छा कोई बात नहीं। ललिता, अरे ओ ललिता। दीदी नहीं है बाबू जी। कहाँ गई है? शेखर दादा। ओ तो तुम ही ग्रीन बाबू के लिए चाय बनाना। मैंने क्यों? कल थिएटर से लौटने में कितनी रात हुई? मैंने पूछा क्या बजे घर लौटी थी? 12 बजे, 1 बजे। थिएटर कैसा लगा? बेशक अच्छा ही लगा होगा। जरा बोलो ना, मैं भी तो सुनूं। न बताओ तुम्हें कैसा लगा, मगर ये तो बताओ जिनके साथ गई थी उन्हें कैसा लगा? इसलिए पूछ रहा हूं, मैंने देखा तो नहीं, सुनकर ही खुश हो लूं। मैं कुछ नहीं जानती। जाओ शेखर दादा, एक रुपया भी जल्दी, दीदी का लड़का बैठा है। दीदी का लड़का? हाँ, जानते नहीं? वो बुरा जो गाना गाकर भीख मांगता है, वो दीदी को माँ कहता है और कहता है कि दीदी का ब्याह राजा के घर होगा। दादा जल्दी से रुपया दो, मुझे और भी काम है। तकिए के नीचे से निकाल ले। अरे सुन, उस दिन थिएटर कैसा लगा? बहुत अच्छा। और तेरी दीदी को? दीदी तो गई नहीं थी। मुझे क्या मालूम, तुम्हारे यहाँ से गई और कह दिया तबीयत खराब है, सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। सुनकर ग्रीन बाबू को भी बहुत दुख हुआ। अपनी दीदी को जरा मेरे पास भेज। ये लो, और शेखर दादा ने तुम्हें बुलाया है। मैं नहीं जाती, मुझे बहुत काम। मैया क्या खाली हाथ जाऊं? जुग जुग जियो मैया, भगवान करे तुम राजरानी बनो। अगर याद करना हो तो बगल वाले कमरे में जाकर करो। लेकिन करूं क्या, आप ही बताइए। यूं तो दोपहर का समय तो काटे नहीं करता, आप तो सवेरे से शाम तक बस रेस की किताब लिए बैठे रहते। तो क्या कमर पर हाथ रखकर नाचूं? नहीं, मतलब था कि और कुछ नहीं तो यही अच्छा होता कि ताश खेले जाते। ये बात है तो अपनी दीदी से जाके कहो, फौरन इंतजाम हो जाएगा। अजीब, वो तो ताश के नाम की माला जपती है, और अगर कहीं खेलने का मौका मिल गया तो बस उंगलियां धीमे और सर कढ़ाई। तो जाऊं? जाओ। सुनो, बैठो। क्या है? देखो जरा दूर दूर रहना, ज्यादा करीब जाने की कोशिश न करना साले साहब। वो लोग ठहरे ऊंचे कुल के ब्राह्मण और तुम हो शूद्र, उनकी नजरों में बिल्कुल लछू। ठीक ठीक ठीक, ये आप क्या उल्टी सीधी बातें बक रहे हैं? हाँ जी, मेरी बातें तो उल्टी सीधी लगेंगी। अभी तक बैठे, अजी तशरीफ ले जाइए जनाब। पढ़ाई बंद कर, चला कांच पे ले। नहीं जाती, मुझे सबक याद करना है। अरे क्या पढ़ लिख कर तुझे जज या बैरिस्टर बनना है, बल्कि ससुराल जाके ताश खेलने हैं? नहीं नहीं, मामी नाराज होंगी। अरे मामी से मैं कह देती हूँ तो चल तो सही। चलो उठ, आ जा। ले गिरिन के गुलाम पे ट्रंप लगा ललिता, मेरे पास और ट्रंप नहीं है। ऐसे बताकर खेलोगी तो मैं नहीं खेलूंगा। तुम जो कहो मैं बताऊंगी और 100 दफा बताऊंगी। ये हाथ से हमारा हुआ मामा। ले चारू, पत्ते उठा ले। ठीक से खेलना ललिता, इस दफा इन लोगों को मजा चखाएंगे। लेकिन आज मैं ज्यादा देर तक नहीं खेल सकूंगी चाची। अच्छा बाबा, अभी तो खेलने बैठी है और चलने की बात शुरू कर दी। ले अपनी बाजू उठा। अरे अन्नू चलिए जा रही दूर। मुन्नी के लिए जो दूध रखा था ना, वो चारू दीदी की कमबख्त काली पीली थी, तो माटी से मांगे लिए जा रही। तेरी ललिता दीदी क्या कर रही है? चारू दीदी के यहाँ ताश खेलने गई। कौन कौन खेल रहा है? चाची जी, चारू दीदी और ग्रीन भैया। सुन तू वहां चली जा और अपने ललिता दीदी से कहना मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, फौरन आ जाए। लो ये बाजी हम जीते। ललिता दो लाल निशान और निकाल। चाची
अब मैं जाऊं। अरे बाबा चली जाना, दो बाजी और खेल जा, जल्दी करो। तुम मेरे पत्ते क्यों देखती हो? फिर देखा तो आके फोड़ दूंगी। दीदी, दीदी, खेल का बुलाते हैं, जल्दी। जरा सा खेलने बैठी, पहुंच गई सामान लेके। जा यहां से। चाची, अब मैं जाती हूँ। ये बाजी तो खेल लीजिए। नहीं चाची, वो नाराज होंगे। ओफो, कैसा अच्छा खेल जम रहा था, चली गई। अन्नू, उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया ही था, ये और भी कुछ पूछ रहे थे। पूछा? तेरी ललिता दीदी क्या कर रही है? मैंने कहा ताश खेल रही है। उन्होंने पूछा कौन कौन खेल रहा है? मैंने कहा ललिता दीदी और क्या दीदी, चारू दीदी और ग्रीन भैया। ये सब कहने की तुझे क्या जरूरत थी रे? इसमें मेरा क्या कसूर? जो जो उन्होंने पूछा मैंने बता दिया। बता दिया, जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। दीदी, उस दिन गुरुचरण बाबू के यहाँ सुना और आज भी, आखिर ये हजरत शेखर दा है कौन? गुरुचरण बाबू के मकान के बगल में वो फाटक वाला मकान है ना, वो बड़ा सा मकान। हाँ, शेखर उसी घर का छोटा लड़का है। ललिता बचपन से ही उसके पास पढ़ती लिखती है। शेखर के मन में उसके लिए बड़ी ममता है। उनका घर ताश खेल रही थी। हाँ, ग्रीन बॉल भी जरूर खेल रहे होंगे। हाँ, तभी आजकल दिखाई नहीं देती। ताश के पीछे लिखना पढ़ना भी छोड़ दिया। तुम जानती है सब मैं पसंद नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, चाची आके जबरदस्ती ले गई थी। मैं ये बात नहीं मानता। मानो या ना मानो, जो सच बात थी वो मैंने कही। अच्छा, तो आजकल बातें बनाना खूब सीख गई। तुम जरा सी बच्ची तो हो नहीं ललिता कि कोई तुम्हें जबरदस्ती चाहे जहां ले जाए? ऐसा क्यों नहीं कहती उस घर में ताश खेलना तुम्हें अच्छा लगता है? और अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, वहां खेलने के लिए अच्छे अच्छे साथी जो मिलते हैं। तो जाओ, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। खड़ी तो हो जाओ ना। क्या हुआ, क्या हुआ ललिता, तू रोती क्यों ललिता? काश तुम समझ पाते। माँ, अपना सब सामान वगैरह ठीक कर लो, तुम्हें फौरन मधु पर आबो हवा बदलने के लिए जाना है। ना रे, इस बार मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों, जाओगी क्यों नहीं? जाने से फायदा, मैं तो बड़ी चंगी हूँ और दूसरे तेरे पिताजी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए भी मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मगर हुक्म तो उन्हीं ने दिया है माँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ माँ जी, कुछ दिन के लिए हुआ ये तो अच्छा है। बाबू जी की चिंता आप न कीजिए, उनकी देखभाल के लिए मैं जाऊँ। मगर बहू। नहीं माँ, अगर मगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। शेखर से मैं टिकट मंगवाने को कह देता हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, तुम लोगों की जिद के सामने पार पाना मेरे बस की बात नहीं, जो चाहते हो वही करो। अच्छा, तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। अरे सुन तो, पार साल की तरह इस बार भी मैं ललिता को अपने साथ ले जाऊँ, इसके लिए भी टिकट मंगवा लेना। अच्छा ललिता, अपने मामा से कह देना बेटी। अच्छा, अरे हाँ, वो पंचांग कहाँ है? मामी को कोई तेरी देखनी, ऊपर मेज पर है। बहू, मुन्नी जी से कहना ललिता के लिए दो अच्छी साड़ियां लेते आए, उस बेचारी के पास अच्छे कपड़े नहीं है। मामा, क्या है? उस घर की माँ हवा पानी बदलने के लिए मधुपुर जा रही है, वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती है। चाहती तो चली जा। हाँ, अपनी मामी से कह देना। बापू जी, इसी महीने में मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, पंचांग देखकर अच्छी सी तारीख निकाल दो। अभी जा, लौट के देखूंगा। नहीं नहीं, अभी निकाल दो, ताई जी का पंचांग है, अभी जाकर वापस करना होगा। मानेंगे थोड़ी। अरे मंगल कितना, तो कोई दूसरी तारीख ही नहीं है। फिर तो किसी भी हालत में मंगल में शादी करनी पड़ेगी। लड़की शादी हो गई है, अब तो एक दिन क्या एक घड़ी भी उसे घर में नहीं रखना चाहिए। एकदम बूढ़ी दादी हो गई है। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं? नहीं, काम को ऐसा जरूरी नहीं है, यूं ही ऐसा से मिलने जा रहा हूँ। दो चार मिनट की देर भी हो गई तो कोई हर्ज नहीं। आओ आओ बैठ आओ। ये मेरी भांजी ललिता है। जी हाँ, दीदी के यहाँ परिचय हो चुका है, बैठ।
इसके लिए बड़ी चिंता है मुझे। क्यों, क्या हुआ? माँ बाप नहीं है बेचारी की। जब तक इसके लिए कोई अच्छा घर बार देख नहीं लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी बेटा। बहुत से लोगों से कहा है, तुमसे भी कहता हूँ, तुम्हारे तो बहुत से दोस्त अहबाब है, देखो ना बेटा, उनमें से कोई ऐसा लड़का मिले जो दान दहेज की परवाह न करता हो, सिर्फ लड़की पसंद होने से शादी कर ले। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी ललिता जैसी सुशीला हजारों में नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। जरूर कोशिश करना बेटा। अच्छा तो मैं चलो, आपको कहीं जाना है ना? हाँ बेटा, फिर कभी आना। गुरुचरण बाबू की हालत जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ दीदी। मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं दीदी, पुरखों का मकान एक सहारा था, वो भी बड़ी लड़की की शादी में गिरवी रख दिया। वो बेचारे असल तो क्या, ब्याज तक नहीं चुका सकते, और वो बूढ़ा उनका मकान मौका पाते ही हजम करना चाहता है। ये बूढ़ा है कौन? वही शेखर का पिता नवीन राय। छी 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 छी, इसका नाम सवेर सवेर मुंह पे आ गया। नाम में बुराई क्या है दीदी? अरे उस मनहूस का नाम लेने से खाना तो दूर, दिन भर एक घूंट पानी नहीं मिलता। हाँ, बूढ़ा एक नंबर का घिसा हुआ है, गुड़ का व्यापार करके लखपति बन गया, मगर गुड़ जैसी मिठास उसमें रत्ती भर नहीं। गुरुचरण का हिसाब देखा अविनाश? जी हाँ देखा। किसी को भेजकर पता तो लगाओ कि गुरुचरण दफ्तर से लौटा या नहीं, अगर आ गया है तो बुलवा लो। लेकिन बाबूजी, बेकार बुलाने से क्या फायदा, उनकी जैसी हालत है उससे तो साफ जाहिर है कि वो कर्जा नहीं चुका सकेंगे। मैं जानता हूँ कि वो नहीं चुका सकेगा, इसीलिए तो उसे कर्जा दिया था कि कोई दूसरा रुपया देकर उसके मकान पर कब्जा न कर ले। बेहतर हुआ कि ये नेक काम मैंने ही कर लिया। सोचता हूँ उस मकान को तोड़वा कर शेखर के लिए घर बनवाऊंगा। गुरचरण पड़ोसी है, पुरानी जान पहचान है, लेकिन किया क्या जाए, मुझे मजबूरन ये काम करना ही पड़ेगा, रुपया जो फंसा हुआ है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं बच्चा खाने में जाता हूँ, तुम उसे वहीं बुलवा लो। जी बहुत अच्छा। तुम तो एकदम नवाब ज्यादा हो गए हो, बिना बुलाए आने का नाम ही नहीं लेते। क्या हुआ मेरे रुपयों का? जी अभी तक तो कोई इंतजाम नहीं हो सका। नहीं हो सका? रुपया उधार लेते वक्त तो बड़ा भरोसा दिया था कि दादा जैसे भी हो सकेगा 6 महीने के अंदर तुम्हारे सब पैसे चुका दूंगा। कहां गए वो तुम्हारे 6 महीने? क्या हुआ मेरे रुपयों का इंतजाम? अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। कोशिश तो कर रहा हूँ, मेरी हालत तो आपसे छिपी नहीं, अगर कुछ दिन और। कुछ दिन क्या, अब तुम्हें मैं एक दिन भी और मोहलत नहीं दे सकता। 2 महीने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया था कि अविनाश की माँ को बाहर भेजना है, मुझे रुपयों की बड़ी जरूरत है, लेकिन तुमने 2 महीनों में एक दिन भी शक्ल तक नहीं दिखाई। पड़ोसी जानकर तुम्हें इतने दिनों की छूट दी, मगर अब तो मेरा यह आखिरी फैसला है कि 7 दिन के अंदर अगर तुमने मेरे कर्जे की पाई पाई न चुका दी तो मजबूरन मुझे तुम्हारे मकान का नीलाम करवा देना पड़ेगा। लेकिन भैया। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, जहां से भी हो मेरे रुपयों का इंतजाम करो। हाँ हाँ, आपने काफी मोहलत दी है। गुरुचरण क्या खा के आपका कर्जा चुकाएगा? समझिए वो मकान आपका ही है। राम 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 राम। मैं भला कभी ऐसा चाहूंगा? गुरुचरण बूढ़ा गरीब पड़ोसी है, मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि उसका मकान निराम करवा दूं। लेकिन फिर भी सब कुछ भगवान के हाथ में, जैसा वो चाहेगा वही होगा। सो तो ठीक है। ललिता। नमस्कार। नमस्ते। हाँ बेटा बैठो। ललिता ग्रीन आए हैं, 4-2 कप लाना। अच्छा। दफ्तर से आए कितनी देर हुई आपको? अभी अभी आया हूँ। बैठो बेटी, आप चाय नहीं पियेंगे? मैं चाय नहीं पी। नहीं, इसके शेखरदा लड़कियों का चाय पीना पसंद नहीं करते। आज आप कुछ परेशान से मालूम होते हैं। तबीयत तो ठीक है? क्यों? ये भी आप कुछ खोए खोए दिखाई देते हैं। मैं तो तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है। तो क्या दफ्तर में कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं बेटा, तुमने ठीक ही सोचा, आज मेरा मन
बहुत दुखी है। अभी थोड़ी देर पहले मोहल्ले वालों के कुछ लोगों के सामने नवीन भैया ने कुछ ऐसी कड़ी बातें कह दी जिसकी वजह से, और क्यों न कहते, साल भर हो गया कर्जा लिए, असल रकम की बात क्या करूं, सूद का भी एक पैसा नहीं चुका सका। आ, मामा ये सब बातें रहने दो, फिर सोच लेना। बेटी हर समय के सोचने का फिर क्या सोचना, असल बात यह है गिरी, मेरी बेटी चाहती कि मैं चिंता न किया करूं, मगर बेटी चिंता से बचने का कोई रास्ता नहीं। नवीन भैया ने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर उनका कर्जा न चुका दिया तो वो मेरे पुरखों का मकान पर नीलाम कर देंगे। देखिए आप कुछ ख्याल ना करें तो एक बात कहूं। ख्याल? मैं तो किसी की किसी बात का ख्याल नहीं करता। क्या बात है बेटा, कहो। मैंने दीदी से सुना है कि नवीन बाबू जो कर्जा देते हैं उस पर ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मतलब चाहता हूँ कि, देखिए मेरे बाप दादा मेरे लिए काफी रुपए छोड़ गए हैं, वो ऐसे ही रखा हुआ है, मेरे किसी काम में नहीं लग पाता। आप नवीन बाबू का कर्जा चुका दीजिए। क्या क्या तुम मुझे रुपया दोगे? बेटा कितने ब्याज पर? ब्याज पर? रुपये उधार देना मेरा पेशा नहीं गुरचरण बाबू, आप मुझे नवीन राय ना समझिए, ब्याज लेकर कर्जा देने वालों को मैं इंसान नहीं मानता। जब आपको सुविधा हो असल रकम लौटा दीजिए। क्या तुम मुझे कर्ज की पूरी रकम दोगे? बेटा वो तो बहुत ज्यादा है, 3,000। 3,000? इतना देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी इस मुसीबत में अगर मेरा ये रुपये किसी काम आ जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बेटा तुम्हारे इस उपकार को मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये साल नहीं भूल सकता। जी जी ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, किसी के आड़े वक्त में इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। ग्रीन बाबू बड़े भले आदमी हैं। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक, उस दिन जब मैं बाहर खड़ी थी तो ग्रीन बाबू ने इतनी सारी मुझे चॉकलेट दी, क्यों बनी हर बात की जाकर आती जाने। फिर क्या हुआ? ग्रीन बाबू ने कहा है कि वो मामा जी का कर्जे का सारा रुपया देंगे। सच? हाँ अभी अभी उन्होंने मेरे सामने कहा है। मालती मामा जी का सारा कर्जा चुक जाएगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरी डूबती हुई नैया को बचा लिया, मैं कुछ मुंह से तुम्हारे इस कार को बताओ कुछ ना। हाँ खूब याद आई, वो ललिता देवी के रिश्ते के बारे में आपने जो कहा था ना, मैंने 2-3 जगह बात की है, वो लोग लड़की को देखना चाहते हैं। कब? जल्दी ही जब आप कहें। तो अगले हफ्ते मैं बुला लूँगा। मगर मैंने सुना है ललिता देवी मधुपुर जाने वाली है। अरे हाँ ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, तब तो वो नहीं जा सकती, मधुपुर जाने से ये काम ज्यादा जरूरी है। जी मैं अभी उसका जाना रोकता हूँ। अच्छा नमस्ते। कारगुजारी का फैसला तुम लोगों से छिपा न रहे, अगर आज भी उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो मैं उसका मकान करवा लूंगा, जरूर फिर मुझे दोषी न ठहराना कि मैंने अपने पड़ोसी के साथ कोई अन्याय किया। आप भला किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? आपने तो उसको इतनी मोहलत दी है भैया कि कोई अपना सगा भाई भी नहीं दे सकता। ये आ गया। इस तरह मुर्दों की तरह मुंह लटकाए हुए क्यों आ रहे हो? इसलिए कि शायद मेरी हमदर्दी हासिल कर सको? रुपए भी लाए हो? लाया हूं। क्या रुपए लाए हो? जी जी क्या सब रुपया? जी हाँ रुपए गिन लीजिए और मेरे कागजात। हाँ जब तुमने सारा रुपया ही चुका दिया तो तुम्हारे कागजात भी तुम्हें लौटा ही देने चाहिए। मुनीम जी। जी सरकार। गुरचरण के कागजात लौटा दो। हाँ गुरचरण इतने रुपए लाए कहाँ से? सो न पूछिए, देने वाले ने नाम बताने से मना किया है। हाँ क्यों ना मना किया जाएगा, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है जो मैंने अपना रुपया तुमसे वापस मांगा, इसीलिए तो आज के जमाने का नाम कलजुग है, कलजुग। ये आप क्या कह रहे हैं नवीन भैया, मैंने तो सिर्फ आपके रुपए का कर्जा चुकाया है, आपकी दया का कर्जा तो मैं जान देकर भी नहीं चुका सकता। अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई होती तो ऐसे गैर आदमी की तरह तुम मेरा सब रुपया न चुका देते। बता दो ना कितने सूद पे मकान गिरवी रखा है? जी नहीं, मैंने इस बार मकान गिरवी नहीं रखा और रुपए के लिए सूद भी नहीं देना पड़ा। क्या कहते हो, रुपया दे दिया यूं ही बिना सूद के? अरे इस कलयुग में कौन ऐसा दानवीर कर्ण का अवतार बन गया, जरा हमें भी तो नाम बता दो,
अरे हम 10 आदमी नाम ही सुनकर पुण्य कमा लें। जी माफ कीजिए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। अच्छा नमस्ते। चला गया, नाम तक नहीं बताया, घमंडी कहीं का। मैं देखूंगा कि ये राज कब तक छिपा रह सकता है। अरे भाई अपने मोहल्ले में आपका अंधा गांठ का पूरा कौन आ गया है? अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं 2 ही दिन में उसके नाम की ही नहीं चौके चूल्हे की खबर ला के देता हूँ। हाँ खबर करो, जरूर कुछ दाल में काला है। आप परेशान क्यों होते हैं भैया, आपके हुक्म की तामील करने के लिए हम लोग जो मौजूद हैं। अच्छा दादा हम लोग चले। अच्छा चलो भाई चलो चलो, मुंह क्या देख रहे, चलो। दादा एक 10 रुपए का नोट है। मुनीम जी। जी सरकार, इन्हें 10 रुपए दे दो। चलो जुगल भैया। अच्छा दादा बाबूजी, आपने इंजीनियर साहब से शेखर के मकान के लिए जो नक्शा बनाने को कहा था वो बन करके आ गया है, इसे देखिएगा। फाड़ कर फेंक दो इसे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों क्यों क्या, गुरुचरण का पूरा रुपया चुका गया है, ये लो। शेखर दादा के कितने कपड़े, ये लोग कितने अमीर है ना दीदी। चुप रहे, ज्यादा बकबक ना किया कर, वहां से रुमाल निकाल। अच्छा देखता हूँ सारा इंतजाम हो चुका, ये भी रख ले और आज अपना बस भी ठीक कर लेना, कल तुझे वक्त नहीं मिलेगा। दीदी तो इस बार जाएंगी नहीं। जाएंगी नहीं क्यों ललिता? हाँ मामा जी ने कहा है कि। क्या कहा उन्होंने? बस दीदी कैसे बताए, वो शर्माती है शेखर दादा उनके ब्याह की बात जो हुई। ब्याह की बात? जानते नहीं पिताजी और ग्रीन बाबू उसके लिए दूल्हा तलाश कर रहे हैं। ग्रीन बाबू कहते हैं चाहे जितना भी रुपया खर्च हो जाए लेकिन दूल्हा तो राजा जैसा होना चाहिए। शेखर दादा ग्रीन बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना दीदी? और जानते हो शेखर दादा पिताजी पर ताऊजी का जो कर्जा था ना वो पिताजी ने सब चुका दिया, ग्रीन बाबू ने पूरा रुपया दिया था। पिताजी कहते थे बस अब कोई चिंता नहीं रही, है ना? क्या सोच रहे हो शेखर दादा? कुछ नहीं, तू जरा मेरे लिए पान ले। अच्छा। ललिता ये सब कुछ तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों जवाब क्यों नहीं देती? ठीक है तुम पराई लड़की हो, तुम पर हमारा अधिकार ही क्या है। अच्छा ही हुआ तुम्हारी देखभाल करने वाला एक हमदर्द तुम्हें मिल गया, वो जैसे जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि जल्दी तुम्हें कोई राजा जैसा दूल्हा मिल जाएगा। शादी के मौके पर हमें भी याद रखना। इस वक्त तुमसे ये काम होगा नहीं ललिता, फिर आके सब ठीक ठाक कर देना। तुम जो कुछ भी कहो गिरीन, लड़का मुझे पसंद है। आप कुछ भी कहें, लड़का किसी भी तरह से ललिता देवी के जोड़ का नहीं है। अच्छा तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तो फिर कल उस दूसरे लड़के को देखने के लिए चला जाए। आओ आओ शेखर आओ, ललिता की शादी के बारे में बातचीत हो रही थी, आओ बैठो। शेखर इन्हें नहीं पहचानते, बड़े भले आदमी है, अपने पड़ोसी माधु बाबू है ना, उनके साले गिरीन्द्रनाथ। जी हाँ नाम सुना है। नमस्कार। नमस्कार शेखर, उनको तो ललिता वो चाय नहीं पीते। हाँ शेखर मैं ललिता के लिए ग्रीन के साथ एक लड़का देखने गया था, लड़का बीए में पढ़ता है, घर बार भी अच्छा खासा है, मगर न जाने क्यों ग्रीन को लड़का पसंद ही नहीं आया। क्यों पसंद क्यों नहीं आया? रूप रंग का कुछ खास ऐसा नहीं, ये कहते हैं ललिता के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो हर तरह से अच्छा हो, और बेटा मैं कहता हूं कि पुरुष का रूप और रंग क्या देखना, पुरुष का सबसे बड़ा रूप है गुणवान होना। क्यों बेटा तुम्हारी क्या राय? मेरा ख्याल है ग्रीन बाबू का कहना ही ज्यादा ठीक है। लो भाई तुम ही जीते। चाचा जी मैं कल सुबह माँ को लेकर मधुपुर जा रहा हूँ,
ब्याह के मौके पर खबर देना ना भूलिएगा। अरे बेटा ये क्या कहते हो, हमारे सब कुछ तो तुम ही लोग हो, और जब तक ललिता की मां ना आए ये भला शादी कैसे हो सकती है? क्यों बेटी, अरे ये कब चली गई? शादी की बात हो रही थी शायद, इसीलिए वो चली गई। हाँ हाँ, जाना ही चाहिए। अब मेरी बेटी नासमझ नहीं, ललिता मानो लक्ष्मी सरस्वती दोनों का ही एक रूप है। जिस घर में जाएगी वो घर जगबगा उठेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शेखर नाथ। अरे ये कब चला गया? अजीब लड़का है, मैं अभी तक इसे न पहचान सका। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा ओवरकोट रखना भूल गई थी, पिछली बार गाड़ी में सर्दी की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई थी ना, वापस आते ही नाप भिजवा कर बनवा लिया था। सर्दी लगे तो जरूर पहन लेना। ये कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कैसे नहीं पहनोगे? ये बात नहीं, मैं दूसरी बात सोच रहा था। ललिता, क्या तुम कह सकती हो मेरा क्या हाल होगा? क्यों? क्यों तो मैं ही जानता हूं, पर आए घर जाने से पहले मुझे बतला देना कि मेरी कौन सी चीज कहां रखी। हटो। हटो तो समझा, मगर एक बार कह सकती तो कह दो कि मेरा क्या हाल होगा। मेरा शौक तो है सोलाना, मगर सामर्थ्य एक कौड़ी की भी नहीं। मेरे काम काज नौकर चाकर तो कर नहीं सकते। खैर जो होना है होगा, तुम तो देखने आओगे नहीं। जाओ, जो जी चाहे कहते रहो। दीदी ले आई, वहां रखकर शांति को बुला लो। चलो चलो। माला बना रही है? मेरी बेटी की शादी जो है। ओह ठीक, लगन तो आज ही है। सुनते नहीं घोष बाबू, क्या सहनाई जो बज रही है। अरे तो सारा इंतजाम कर लिया? क्या इंतजाम कर लिया, लड़की बड़ी हो गई है, अब तो किसी तरह विदा कह देती हूँ। अच्छा तो अन्नू, गेंदे के फूलों की बरमाला मानी जाती है? क्यों नहीं, दूसरे फूल ना मिले तो जरूर मानी जाती है। मैंने तो कितनी बेटियों की शादी की है, ये रीत रिवाज तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। ओ बाप, मैं तो भूल गई, मैंने सबको लौटा दिया, सिर्फ शेखर दादा को भूल गई। जाऊँ उन्हें कह, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। दीदी मैं जब तक आऊँ तुम ये माला बना दो। अच्छा शेखर दादा, आज मेरी लड़की का ब्याह है, तुम्हें न्योता देने आई हूँ, जरूर आना। अरे वाह, ये सब कुछ एकाएक कैसे तय हो गया, पहले तो कुछ सुना नहीं था। कैसे सुनते, कल ही तो फैसला हुआ है, पिताजी ने पंचांग देखकर बताया कि इस महीने में आज के सिवा दूसरा कोई दिन ही नहीं है। अच्छा, मगर दूल्हा राजा करते क्या? करेगा क्या, बाप एक दफ्तर में है बड़ा बाबू और लड़का छोटा बाबू। तुम ही सोचो शेखर दादा, हम जैसे गरीबों की लड़की को अमीर दूल्हा भला कैसे मिल सकता है। मगर लगन का समय कब निकला है? अब समय में देर क्या, 8 बजे जल्दी के माले कोई खास इंतजाम नहीं कर सकी, बस किसी तरह माला बदल कर बेड़ा पार करना है। अच्छा मैं चलूं। अरे अन्नू सुन। क्या ललिता क्या कर रही है? माला बना रही है। मुझे भी एक माला भेज दे। वाह, वो तो दूल्हा के लिए है। अच्छा अभी भेज आती। शेखर दादा ने एक माला मांगी है, मैं तो काम में फंसी हूँ, तुम ले आओ ना। मैं नहीं जाऊंगी, तुझसे कहा है तू ही ले जा। चलो बड़ी माला दे दे। अच्छा खैर तू काम कर, मैं ही ले जाऊँ। हाँ तुम्हारा ही जाना ठीक है, मुझे तो इतना काम है कि मरने की भी फुर्सत नहीं। Thank you.
ये तुमने क्या किया ललिता? क्यों, क्या किया? नहीं जानते, जब अन्नू से पूछ क्या हो, आज रात को किसी को माला पहनाने से क्या होता है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अरे ललिता सुनो, जल्दी करो जल्दी करो, अभी वक्त नहीं है, पकड़ो पकड़ो, इतना टाइम पड़ा हुआ है। ललिता बिटिया, छोटे बाबू ने तुम्हें बुलाया है, सो गई क्या? तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम ये क्या कर बैठे? फिर वही बात है, जाओ। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें तो किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माला मुझे वापस कर दो। इसीलिए तो बुलाया है, अंदर आके ले जाओ। नहीं, वहीं से फेंक दो। तब तो नहीं मिलेगी। तो मुझे चाहिए भी नहीं। सुनो, ठहरो ललिता, जो काम तुम अधूरा छोड़ गई थी मैं उसे पूरा किए देता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक ही तो कर रहा हूं। अब माला तो बदल हो गई, दूल्हा को उठाकर भौरी का बंदोबस्त करा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया था? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुमने मुझे क्यों माला पहनाई? मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं। कितने बड़े बड़े घरानों से तुम्हारी शादी की बातें आ रही हैं, और मैं गरीब दुखी तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मेरी माँ नहीं, बाप नहीं, दुनिया में मेरा कोई नहीं। कैसी हो तुम, मेरा अपमान कर रहे हो? अपमान? मैं नहीं ललिता, तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूँ? हाँ, अपने मन से पूछो तो समझ जाओगी। मैंने अचानक तुम्हें माला पहना दी, क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया? नहीं, मैंने जो कुछ किया अचानक नहीं किया, जानबूझकर, सोच समझकर किया। तुम मेरे इतने नजदीक थी, शायद इसीलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आज मैंने ठीक तरह से जाना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। अब इन बातों को सोचने का सवाल ही नहीं उठता। जो होना था सो हो गया, और जो हुआ है उसे न तुम मिटा सकती और न मैं। प्रणाम क्यों बेटी? यू ही। ओ समझी, तेरी मामी तेरी शादी के बारे में कह रही थी। भगवान से मेरी विनती है, तुझे शंकर जैसा स्वामी मिले। अरे ये हाथ में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं। मैं आपको बहुत बड़ा कसूरवार समझ रहा हूँ, मेरी ही वजह से आपको इतना अपमान सहना पड़ा। सोचता हूँ जल्दी ही मुंगेर वापस चला जाऊँ। नहीं बेटा, तुम क्यों जाओ,
इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? ये तो पुरानी बात है कि ताकतवर इंसान कमजोर को दबाता ही है। मैं यहां से चला जाऊंगा। हाँ यही ठीक होगा, आपकी तबीयत भी खराब है, कुछ दिन के लिए मुंगेर चले चले। हाँ बेटा मुझे मुंगेर ही ले चलो, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। गिरी बेटा, उस दिन नवीन बाबू के यहाँ गुस्से में जो बात मेरे मुंह से निकल गई थी, सच पूछो तो मेरे दिल की ही बात थी। कौन सी बात? बात ये थी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी ललिता का ब्याह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जी ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए इस वक्त आप परेशान हैं, ये बातें फिर कभी करेंगे। एक काम करेगी क्या? जरा उस घर में चली जा और अविनाश दादा से इस पर मधुपुर का पता लिखा कर डाक में डाल दे। उस घर में? ना बाबा ना, ताऊजी ने मेरी टांग तोड़ दी तो? टांग क्यों तोड़ेंगे उसकी, मेरी अच्छी बहन। चली जा, मैं तेरी बेटी को मोतियों की माला दूंगी। सच? थी। और सुन इस खत की बात और किसी को ना मालूम। अच्छा अच्छा। देखो तो बहू कौन है? क्या है अनु? अविनाश भैया से शेखर दादा का पता लिखा कर इसे डाक में छोड़। किससे बातें कर रही हो बहू? जी अनु उस घर से चिट्ठी लाई है। जी कैसी चिट्ठी? यहाँ लाओ। गुरुचरण बाबू के यहाँ से ये चिट्ठी भेजी है, देवर जी का पता लिखना है। ओ, तुम जाओ। मामा। हाँ? क्या हम लोग सब मुंगेर जा रहे हैं? हाँ बेटी, ग्रीन सभी के लिए टिकट लेने के लिए गया है। मैं जानता हूं घर छोड़कर जाने में तुझे दुख हो रहा है, मगर क्या किया जाए बेटी, मुझसे अब यहां रहा नहीं जाता। सो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रही थी कि। रुक क्यों गई, बोल ना। मैं कह रही थी कि इतनी जल्दी भी क्या है, दो चार दिन के बाद भी तो। परसों के टिकट मिलेंगे। टिकट मिल गए? चलो अच्छा हुआ। ये लीजिए। नहीं बेटा अपने ही पास रखो। कै बजे की गाड़ी है? रात को 9 बजे की, हम लोगों को 8 बजे यहाँ से चलना होगा। अरे बस बस, अच्छे तो हो शेखर? अच्छा हूँ। तेरे पिताजी की तबीयत कैसी है अविनाश? ठीक है माँ। मुनीम जी कहाँ है? मुनीम जी यार, मुनीम जी मैं इनको लेकर के जा रहा हूँ, तुम सब सामान वगैरह लेकर के आओ। आओ माँ। कुली कुली
इन्हें भी इसी बिस्तर में बांधो। दीदी, दीदी, शिखर दादा आ गए। सच? हाँ। ऊपर का रास्ता तो बंद है, मिलने कैसे जाओगी? मालती, मैं भी आई। ललिता, इस वक्त कहाँ जा रही थे? रसोई से बर्तन ले आ, बक्से में रख लो। चलो, अभी बिस्तर मत बांधो, मुझे अपनी लड़की का भी सामान इसी में रखना है। मैं अभी लाती। ले आई, रख। बाप रे बाप, इतना बड़ा घर संसार, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम है? दीदी दीदी, जल्दी जरा बिस्तर तो बांध दे, मुझसे अकेले नहीं बनता। तू जरा ठहर, मैं भी। मुंगेर जाने वाले हैं। मुंगेर का? गुरुचरण बाबू इलाज के लिए जा रहे हैं, वहाँ गिरीन का अपना मकान है, सब लोग वहीं रहेंगे। आज ही मुंगेर जा रहे? हाँ, रात 9 बजे वाली गाड़ी से। बहू रानी कह रही थी गिरीन के साथ ही ललिता के ब्याह की बातचीत चल रही है। लड़का अपनी जात का नहीं है, न जाने क्यों गुरुचरण बाबू ने ऐसा फैसला कर डाला, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा, पैसे वाला भी है। ललिता का दुख मिट जाएगा। ललिता बेटी, चाय तैयार हुई? लाई मामा। आप तो बेकार के तकल्लुफ में पड़ गए गुरुचरण बाबू, वो लोग जाने की तैयारियां कर रही हैं और बीच में चाय का झमेला। अरे भाई, तुम मेरी ललिता बेटी को नहीं जानते, काम काज में उसका जवाब नहीं। ये लो, मेरी बात पूरी हुई नहीं कि मेरी रानी बेटिया हाजिर। हाँ बेटी, जाने की तैयारियां हो चुकी? हाँ मामा। हाँ तो मैं मुंगेर की बात कह रहा था। आह क्या आबो हवा है, आप 2 ही दिन में भले चंगे हो जाएंगे। ये मेरे साले राम 1000 बार कह चुके हैं मुझसे, मगर मैं इसी डर से वहां नहीं जाता। समझे नहीं आप? अरे भाई साहब, अगर इस नाजुक बदन पर थोड़ी सी चर्बी और चढ़ गई तो मुझे अपने मकान के दरवाजों की लंबाई चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। मुझे देखते ही आप लोगों की हंसी रुक गई। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, माधव मुंगेर की आफा का जिक्र कर रहे थे। मैं आज ही सुबह माँ को लेकर मधुपुर से लौटा हूँ, आते ही सुना आप लोग जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से मिलने चला है। बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने। शेखर, तुम तो इन लोगों को अच्छी तरह पहचानते होगे, ग्रीन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इसलिए मेरी बीमारी में बड़ी सेवा सहायता की है। डॉक्टर बुलाना, दवा लाना, देखभाल करना, क्या कुछ नहीं किया इसने। ये तो अपने घर के लड़के जैसे जा रहे हैं। अच्छा तो बेटा, इस बार मधुपुर में तुम्हारी माँ की कैसे बीत रही? जी अच्छी रही। अच्छा तो मैं जाता हूँ। इतनी जल्दी क्या है बेटा? अच्छा मुझे काम है। सुनो, माँ कैसी है? अच्छी। ठहरो तो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे घर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। ये सब तो तुम्ही लोगों ने किया। क्या है मामू, इतनी देर कहाँ थी? ज्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी काम निपटा ले। उस घर में मिलने गई थी? नहीं। जा दीदी को प्रणाम करा, और हाँ अन्नू को साथ ले जा। अपने शेखर दादा के पास जाकर क्या कहेगी? कहूंगी क्या, प्रणाम करूंगी? यूं नहीं, प्रणाम करने से पहले कहना कि शेखर दादा
जाने से पहले हम लोग तुम्हें प्रणाम करने आए हैं। जाने अनजाने हम लोगों से बहुत सी गलतियां हो गई हैं, उन्हें भूल जाना और हमें क्षमा कर देना, समझी? अच्छा, समझ गई। हम लोग जाने से पहले आपको प्रणाम करने आए हैं। ये लो तुम्हारी चाबी जो मेरे पास थी। शेखर दादा, हम लोगों ने जाने अनजाने बहुत सी गलतियां की, वो सब भूल जाना और हमें क्षमा कर देना। अच्छा, अब तू जा घर, मैं भी आती हूँ। मगर तुम देर ना करना, ग्रीन दादा गाड़ी लाने गए। हाँ हाँ, मुझे मालूम। हाँ। मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी नहीं मिली? मगर मैंने क्या लिखा था उसमें? बहुत कुछ लिखा था, जब तक तुम सुन चुके होगे। बोल, अब मेरे लिए तुम्हारा क्या हुक्म है? मेरा हुक्म? मेरे हुक्म से क्या होगा? क्यों क्यों क्या, मैं भला किसको हुक्म दूं? देखो, अभी यह हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। बोलो, अब क्या होगा? डर से मेरा मन कांप रहा है। डर? डर कैसा? डर नहीं होगा, तुम यहाँ नहीं थे, माँ भी नहीं थी। मामा और ताऊजी में कितना बड़ा झगड़ा हुआ और इस पर मुंगेर जाने का फैसला भी हो गया। लेकिन तुम्हारे मामा ने ग्रीन बाबू जी से बहुत से रुपए लिए हैं। वो तो उधार लिए हैं, मैं सब चुका दूंगी। तुम्हें इतने रुपए कहाँ से मिलेंगे? जानते नहीं, शादी के बाद औरत को रुपया कहाँ से मिलता है? वहीं से मुझे भी मिलेगा। लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा है उससे पता चलता है तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेचकर रुपए लिए। क्या? तुमने जो कुछ समझा है वो गलत है। मेरे मामा जैसा भला आदमी इस संसार में दूसरा नहीं। उनका दुख तुम नहीं जानते, लेकिन दुनिया के और सब लोग जानते हैं। रुपए की बात कहते हो, रुपया उन्होंने लिया है, मगर मेरी शादी के बाद। इसलिए मुझे बेचने का अधिकार उनको नहीं और ना उन्होंने मुझे बेचा है। मुझे बेचने का अधिकार अगर किसी को है तो वो तुम हो। तुम अगर चाहो तो रुपया चुका देने के डर से मुझे बेच सकते हो। सोच रही है कुछ छोड़ा है क्या? चलो चलो। Thank you.
अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी अखियों में पानी अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी ढला हुई संध्या की बेला ढला हुई संध्या की बेला बंद हुआ देखो मधुबन का मेला राधा अकेली मोहन अकेला राधा अकेली मोहन अकेला खेल विधाता ने कैसा खेला विधा का ये दिन छोड़ के चली मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी अखियों में पानी अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के चली राधे रानी मकान है बहुत उमदा मामा हम लोग यहाँ कितने दिन तक रहेंगे अरे अभी तो आए शोर कैसा हो रहा है वहाँ कुछ लड़के गेम खेल रहे हैं ओ, हाँ ललिता स्टेशन से सब सामान आ गया देखती हूँ जाकर मालती सब सामान पहुँच गया हाँ दीदी किरण बाबू का मकान देखा कितना बड़ा है बहुत सारे कमरे हैं हम दोनों एक कमरे में रहेंगे इस बक्से को उठाओ उस कमरे में रखना अरे 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 ये सब क्या हो रहा है घर में इतने नौबच्चा कर रहते हैं तुम लोग क्यों ठहरो सीताराम सीताराम हम लोग इसके आदि हैं जी कहाँ मर गया था अभी तक सामान नहीं उठाया अंदर ले जाओ उधर के कमरे बहुत दिनों से खोले नहीं गए हैं ओह किस कदर गंदे हैं जाओ नौकरों को बुलाकर साफ करा दें ये लो तुम्हारी चाबी ललिता शायद तुम्हारी मामी को फिर जरूरत पड़े इसलिए ये चाबी तुम अपने पास रखो दीदी दीदी गजब हो गया क्या हुआ जल्दबाजी में मैं अपनी बेटी के दूल्हा को समझ के यहाँ कलकत्ते बुलाई अब क्या होगा इसमें घबराने की क्या बात है बाजार से गुड्डा खरीद के अपनी बेटी का फिर दोबारा ब्याह करना हाय राम ग्रीन भैया कैसी उल्टी पुल्टी बातें करते हैं किसी के साथ एक बार माला बदल हो जाने से क्या उसकी शादी दोबारा होती है बुढ़ी दादी को मालती ये चाबी तू अपने पास रख चाबी कहाँ गई रामू जी सरकार कल मेरे बाहर जाने के बाद इस मेज को किसने छुआ जी मैंने यहाँ मेरी चाबी थी चाबी चाबी तो मैंने नहीं दी चाबी नहीं देगी तो क्या पंख लाकर उड़ गई उड़ गई खबर ना जानने मेरी कोई भी चीज को हाथ लगाया जी नहीं। मेरा कमरा साफ गंदा जैसा वैसा रहना चाहिए जी अच्छा अजीब मुसीबत आजकल कोई भी चीज वक्त पर नहीं मिलती फिर हाथ लगाया सरकार ये रही चाबी तुम मेरे इतने नजदीक थी शायद इसीलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं आज ही मैंने ठीक तरह से जाना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता भगवान करे तुम राज रानी बनो लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा है उससे पता चलता है तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेचकर रुपया लिया
के बाद तुम्हें हमेशा उदास देखता हूँ, हर समय खामोश रहती हो, कहीं घूमने भी नहीं जाती। क्या मुझे कोई भूल हुई? ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा न कीजिए। आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो तो सगे भी नहीं करते। अच्छा, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, फिर शुरू करो ना, मेरे पास काफी वक्त है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। वो शौक तो सिर्फ कलकत्ते तक था। ये क्या मामा, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो मेरी कितनी चिंता हर वक्त किया करती है कि मेरी सगी बेटियां भी नहीं करती। जरूर पिछले जन्म में तू मेरी मां थी। मैं सोचता हूं जिस दिन तुझे दूसरे के घर विदा कर दूंगा उस दिन मेरा क्या हाल होगा। तुम मेरे पराए घर जाने की चिंता ना करो मामा, मैं अभी शादी। ऐसा क्यों कह रही थी मामा? कई दिनों से एक बात कहना चाह रही थी लेकिन। क्या बात है बेटी, कहो ना। नहीं नहीं अभी नहीं, तुम्हारा जी अच्छा नहीं है, दवाई का वक्त हो गया, मैं दवा ले आती। अविनाश, अविनाश। हाँ माँ। डॉक्टर को जल्दी फोन करो बेटा, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। हरिया, शेखर को जल्दी बुला। अच्छा भाई। हेलो, बड़ा बाजार 2346। छोटे सरकार, माँ जी बुलाती हैं, जल्दी चलिए। क्या हुआ? मालिक को ना जाने क्या हो गया है, चलिए ना। अब हमारे बस की बात नहीं शिखर। Now it's a matter of few seconds. हिम्मत रखो। मज्जत तहां बरन चारू नर, तीर तीर देवन के मंदिर, चहदश दिन के पवन सुंदर। कलकत्ते से दीदी की चिट्ठी आई है। चारू की माँ की क्या लिखा है? शेखर बाबू के पिताजी का देहांत हो गया। नवीन भैया चल बसे, क्या हुआ था? आपसे झगड़े के बाद जो बिस्तर पर गिरे फिर वो दोबारा उठ न सके, पिछले सोमवार को हार्ट फेल हो गया। हमारे दोनों परिवारों में कितने दिनों से अच्छे ताल्लुकात थे, न जाने क्यों कर ये मनहूस बात हो गई। मैं खुद अपने आप को एक अपराधी समझ रहा हूं। शेखर के पिताजी का देहांत हो गया? हाँ, और मैं ही उनकी मौत का कारण बना। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं।
बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। न जाने मेरे को क्या हो रहा है बेटा, मुझे सहारा दो, मुझे सहारा दो बेटा। जरा कागज दीजिए। बहुत रात हो गई ललिता, अब तू जाके सो जा, मैं बैठती हूँ। किरण, तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। ललिता, मामा। ललिता तू जरा बाहर जा बेटी, किरण से कुछ कहना है। तेरी मामी कहाँ है? अभी अभी अंदर गई है, भेज देती। किरण मेरे करीब आओ, मैं जानता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं नहीं ऐसा ना कीजिए, ललिता के ब्याह का जो अरमान था भगवान ने उसे पूरा नहीं किया। अगर बेटा मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम ये अरमान पूरा करोगे। अभी ये सब ना कहिए। नहीं नहीं, मरने से पहले अगर तुम्हारे मुंह से ना सुन सका तो मरकर भी मुझे शांति ना मिलेगी। इन्हें देखने वाला कोई नहीं, मैं इनकी जिम्मेदारी भी तुम्ही को सौंपता हूँ। बोलो बेटा, बोलो, मुझे वचन दो, बोलो। जी मैंने वचन दिया। बस अब मुझे कोई चिंता नहीं, भगवान जानता है कि तुमने मेरा सारा भूजल काट दिया, मुझे कितनी शांति मिली। क्या हुआ? सुनती हो? क्या हुआ? सुनती हो? गिरी ने ललिता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और तुम लोगों की देखभाल भी करेगा। ललिता कहाँ है? ललिता को जल्दी बुलाओ ताकि इन दोनों का हाथ मिलाकर मैं शांति से मर जाऊं। ललिता, गिरी, तुमने जो कुछ किया मैं वो कर्जा तुम्हारा चुका सकूंगा। गिरी तुम्हारा हाथ का, गिरीन अपना हाथ लो, मेरे पर वक्त नहीं। गिरीन अब मेरे पर वक्त नहीं, ललिता नहीं आई, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पानी 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 पानी। शेखर बेटा। क्या माँ? चौधरी बाबू आए हैं, शादी का दिन तय करना चाहते हैं। तेरे पिताजी ने उन्हें वचन दिया था, इसलिए अविनाश की और मेरी भी यही राय है कि तेरी शादी वहीं हो जाए। माँ आज तक मैंने कभी तुम्हारी आज्ञा से इनकार नहीं किया, मगर आज ये चाहता हूँ मुझे कुछ दिन सोचने की मोहलत दो। फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों, बात क्या है? ये मैं अभी नहीं बता सकता माँ, फिर किसी दिन सब कुछ बता दूंगा। अच्छा तो मैं अविनाश को यही कह देती हूँ। Mm-hmm.
चिट्ठी भेजी है, बेटी को कितने दिनों से नहीं देखा। मन तो बहुत चाहता है कि जाऊं, लेकिन कैसे जा सकती हूं। खैर, जाना न भी हो उसके लिए कुछ गहने जरूर भेजने पड़ेंगे। तू अभी किसी को भेजकर सुनार को बुलवा ले। चौधरी बाबू आए थे, उनके पास खबर ले तो मैं ब्याह करूंगा। शादी नहीं कर सकती मामी। क्या कहा? ब्याह शादी क्या कोई बच्चों का खेल है? मरने से पहले तेरे मामा ये शादी ठीक कर गए थे और इधर मैं सारा इंतजाम कर चुकी हूँ और अब तू इनकार करती है। वजह क्या है? वजह मैं नहीं बता सकती। अगर वजह नहीं बता सकती तो ऐसी बात जबान पर भी नहीं लानी चाहिए। जो मामा तुझे इतना प्यार करता था उन्हीं के नाम को तू बट्टा लगाना चाहती है? चाहती है कि रिश्तेदारों के सामने हमारे से धूल में मिल जा? मैं तेरी एक नहीं सुन सकती, तुझे ये शादी करनी ही होगी। मुझे बचा लीजिए किरण बाबू, आज आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। क्यों, क्या हुआ? बोलो बोलो ललिता, अगर मैं तुम्हें किसी तरह सुखी बना सका तो अपने को खुश कितना समझूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरा ब्याह हो चुका है। मैं जानती हूँ ये कहकर मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन यकीन कीजिए इसके सिवा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं परिणीता हूँ, मेरी शादी हो चुकी। शादी हो चुकी है? कब? करीब 1.5 साल हुए। लेकिन ये बात तो कभी मैंने आज तक छिपा रखी थी, और अगर ये मुसीबत ना पड़ती तो मैं आज भी ना बताती। तुम्हारे आपके पतिदेव कौन हैं? हिंदू स्त्री अपने पति का नाम कभी नहीं लेती। गिरीन बाबू, जब तक मेरे स्वामी मुझे स्वीकार ना करें आप ये बात किसी से ना कहिएगा। बस मेरी यही एक विनती है। आपके स्वामी आपको स्वीकार क्यों नहीं करते? ये तो बहुत जाती है उनकी। मैं उनके कामों का विचार नहीं करती। वो मुझे स्वीकार करें या न करें फिर भी वो मेरे पति। ये शादी किसी भी तरह रोकनी ही होगी गिरीन बाबू। लेकिन शादी का सब तो बंदोबस्त हो चुका है, अब मैं आपकी मामी से क्या कहूँ? इसके अलावा मैंने आपके मामा जी को उनके आखिरी वक्त में जो वचन दिया था, अगर वो वचन तोड़ दूं तो मेरे लिए बहुत ही अन्याय होगा। आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। मेहरबानी करके मुझे जरा सोचने का वक्त दीजिए।
नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छा अभी आया। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, कलकत्ते से शेखर की शादी का न्योता आया है। शेखर बाबू की शादी? हाँ, शेखर की माँ ने ये चिट्ठी लिखी है कि अगले सोमवार 29 तारीख को शादी है। हम सबको बुलाया है और ललिता के लिए तो खास तौर से उन्होंने बहुत जोर दिया है, लेकिन ये लड़की बीमार हो गई, मैं कैसे जाऊं? और अगर कोई ना गया तो वो भी बुरा है। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। जी, जाना जरूर चाहिए। तो तुम ललिता और मालती को लेकर कल सुबह की गाड़ी से कलकत्ते चले जाओ। ठीक है, जाने का बंदोबस्त करता हूँ। और हाँ सुनो बेटा, जब तुम कलकत्ते जा ही रहे हो तो वहाँ का मकान बेच ही आना। क्यों? बेचना क्यों चाहती है? जब वो ही नहीं रहे तो कलकत्ते का मकान रखी। अरे दीदी तुम यहाँ, मैं चारों तरफ देख आई। क्या बोले? एक अच्छी सी खबर लाई हूँ। नाम क्या दोगी? क्या खबर है? शेखर दादा की शादी है। जीजा जी तुम्हें और मालती जी को कलकत्ते ले जाएंगे। अरे तुम्हारे आंखों में आंसू? नहीं नहीं, मुझे भी आंख में कुछ पड़ गया होगा। एकदम से जुगल जोड़ी, और संग में साली को भी लाना नहीं भूले। शहनाई कहाँ बच रही है? तुम्हें नहीं मालूम शेखर की शादी है ना? ललिता तो अच्छे मौके पर आ गई, दो चार दिन हंसी खुशी में कट जाएंगे। मुनीम जी, बिजली वालों को खबर भेज दी है? जी अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ। आपसे सुबह से कह रखा है कि बिजली वालों को खबर कर दीजिए, और आप कह रहे हैं कि अभी भेजता हूँ। कोई भी काम आपको सौंपा जाए कभी पूरा नहीं होता। जाइए फौरन किसी को भेजिए। अरे अभी तुम लोगों ने झाड़ फनू साफ नहीं किए? एक बार तुमको कहने से तुम नहीं सुनते हो। चलो साफ करो, जो काम तुम पर सौंपा जाए कभी पूरा नहीं होता। माँ कहाँ है? अपने कमरे में। शादी में आई? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें दावत दी जाए, लेकिन मना इसलिए नहीं किया कि बहुत दिन पहले जो एक बचपना हो गया था वो कहीं जाहिर ना हो जाए। बचपना? नहीं, तुम्हें तो यह साबित कर दिया। मैंने क्या? रहने दो ललिता, आज के शुभ दिन मैं इस छोटी सी बात के लिए तुमसे बहस नहीं करना चाहता। लेकिन तो तुम्हारी हालत कैसे? ये फटे पुराने कपड़े, हाथों में कांच की चूड़ियां। सुना है तुम्हारे पति दो बड़े अमीर आदमी हैं, वो तुम जैसे साक्षात अन्नपूर्ण की कदर नहीं करते? नहीं। ताज्जुब? आखिर क्यों? ये तो वही जाने, मैं उनके कामों का विचार नहीं करती। हो, इसे कहते हैं पति भक्ति। आजकल के जमाने में ऐसी पति भक्ति दिखाई नहीं देती। सब कुछ तुम ही कहोगे, मेरी एक भी नहीं सुनोगे। अब और क्या सुनो, तुमने तो खुद ही सब बातें खत्म कर दी। सुना है तुम्हारे ससुर अपनी लड़की को सोने से मरकर देने वाले? अरे सिर्फ यही नहीं, इनके ससुर साहब तो इनको तोहफे में एक बैंड भी पेश करने वाले हैं। बहुत मजा कर। नमस्कार। हाँ, माफ कीजिए शेखर बाबू, इस हंसी खुशी की महफिल में शरीक होने लायक शायद मैं नहीं हूँ, फिर भी मुझे आना ही पड़ा क्योंकि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? करिए। बेहतर होता
अगर ये बात अकेले में, सब मेरे दोस्त हैं जो कुछ कनन के सामने कही। चिट्ठी किसने भेजी? मेरी सास ने, यानी गुरुचंद बाबू की पत्नी। जी मुझे मालूम है, बैठिए। इस काम के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, पिताजी के पास सब कुछ भाई साहब के जिम्मे, आप उन्हीं से मिलिए। अच्छा होता अगर आप ही उनसे कहते। जी नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, आप खुद ही उनसे कहिए। और आजकल तो आप ही उन लोगों की देखभाल कर रहे हैं। जी अच्छा मैं ही कहूंगा, लेकिन दीदी कह रही थी आपसे उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो तो अभी अंदर ही होंगी। दीदी? कौन दीदी? ललिता दीदी। कौन? जी ललिता दीदी। ललिता दीदी, क्या आपकी शादी ललिता से नहीं हुई? जी नहीं, मेरी शादी मालती से हुई। लेकिन आपकी शादी की बात तो ललिता से थी। जी हाँ, बात तो ऐसी ही थी, लेकिन शादी से दो दिन पहले ललिता दीदी ने मुझसे कहा, डेढ़ साल हुए किसी के साथ माला बदल कर उनकी शादी हो चुकी है। हाँ? आप चौंक क्यों उठे शेखर बाबू? नहीं, तुम लोग जरा बाहर जाते तो अच्छा होता, मुझे अकेले में इनसे कुछ बातें करनी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बैठिए किरण बाबू। ललिता ने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है। जी हाँ, ये सुनकर मैं गहरी चिंता में पड़ गया। हिंदू नारी का ब्याह एक ही बार होता है, और इधर गुरुचरण बाबू के गुजरने से पहले मैंने उनका ऐसा ही वचन भी दिया था। बहुत सोच विचार कर मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए गुरुचरण बाबू की दूसरी लड़की मालती से शादी की। क्या ललिता ने अपने पति का नाम बताया? नहीं, उस सती सावित्री जैसी देवी ने अपने पति के तमाम गुनाहों को माफ करके अब तक उनका नाम छुपा रखा था। लेकिन शेखर बाबू, आपने चौंक कर उस राज को आज जाहिर कर दिया। किरण बाबू, इतने दिनों तक मैंने आपको पहचानने में भूल की थी, मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया में खामोशी के साथ कोई इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकता है। आप बैठे, मैं भी आता हूं। हरिया जी। सरकार चली था कहां गई? जी कुछ देर पहले यहां से चली गई। बहू रानी को ये पीताम्बर दे आओ, शादी के समय शेखर को इसकी जरूरत पड़ेगी। ये शादी नहीं होगी माँ। ये क्या कह रहा है? ऐसी बुरी बात जुबान पर नहीं लानी चाहिए। इतने दिनों तक ये बात जुबान पर नहीं लाया था, मगर अब खामोश रहा तो महापाप होगा। ये सब तू क्या बोल रहा है शेखर? ये क्या कोई बच्चों का खेल है? खेल नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ, तुम अपने इस बेटे की बहुत सी गलतियां माफ करती आई हो, ये गलती भी माफ कर दो। मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? हाँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मैं भी आता हूँ, तुम जरा ठहरो। ललिता, ललिता, ललिता। मालूम नहीं, तुम छत पे देखो, मैं चारों के यहाँ जाती हूँ। चलो मेरे साथ।
छोटी बहू। ये मेरी कौन? कहा तो माँ, आज नहीं साल भर से भी ज्यादा हुआ तुम इसकी सच्ची माँ हो चुकी हो, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्या कह रहा है तू? इसकी तो गिरिन के साथ। नहीं माँ, गिरिन बाबू ने मालती से शादी की है, ये तुम्हारी बहू है। क्यों री, क्या ये सच है? मगर तेरी ये हालत? ओ समझी, शिव को पाने के लिए पार्वती को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। दुखी रहो बेटी, दुखी रहो, अभी नाशो खबर कर दो, बहू बदल गई है। अविनाश, अविनाश। क्या है मां? अभी चौधरी बाबू के यहाँ जाकर शेखर की शादी रोकनी होगी। शादी रोकनी होगी? लेकिन अब ये कैसे हो सकता है मां? जैसे भी हो यही होगा, शेखर की शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी है? हाँ, मैं तुझे बाद में बताऊंगी, तू गाड़ी तैयार करा, अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद जाऊंगी।